रायगढ़ निवासी एक 9 वर्षीय बच्ची के जबड़े की प्लास्टिक सर्जरी कर एसआर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमित्र दयाल ने बच्ची के चेहरे को विकृत होने से बचाया है। एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल बच्ची को उसके परिजन रायगढ़ से लेकर एसआर हॉस्पिटल चिखली आए थे। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमित्र दयाल के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। डॉक्टर दयाल ने दुर्घटना में बुरी तरह से चोटिल और टूट चुके जबड़े की प्लास्टिक सर्जरी कर रायगढ़ निवासी एक 9 वर्षीय बच्ची के चेहरे को खराब होने से बचा लिया है। इसके पूर्व बच्ची के परिजन बच्ची को शक्ति स्थित एक हॉस्पिटल में दिखा चुके थे। यहाँ के डॉक्टरों द्वारा मासूम को रेफर किया जा रहा था। इस दौरान ट्रेन में एक यात्री द्वारा बच्ची के परिजनों को एसआर हॉस्पिटल चिखली के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद परिजन बच्ची को रायपुर ना ले जाकर सीधे एसआर हॉस्पिटल चिखली पहुंचे। यहां तत्काल बच्ची के टूटे जबड़े की प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर विश्वमित्र दयाल द्वारा की गई। अब बच्ची पूर्णतया स्वस्थ हो चुकी है। बच्ची की माँ प्रीति भट्ट ने दुर्घटना और उपचार को लेकर जानकारी दी। मेरा नाम प्रीति भट्ट है, मैं रायगढ़ की हूँ। मैं अपना मायके गई थी शादी पूरे फैमिली के साथ। तो शादी घर से मतलब ना एक बार मेरी मम्मी और मेरे को लाए मेरे हस्बैंड, उसके बाद बच्चे को लेने गए रिटर्न। तो बच्ची को लेकर आ रहे थे ना, तो सब्जी गाड़ी से मतलब मेरे पति का गाड़ी उससे गाड़ी टकरा गई, तो बच्ची गिर गई। फिर सब्जी गाड़ी भी गिर गई, बच्ची गिर गए। उसके मतलब ना चार जने बैठे थे गाड़ी में, तो बच्ची आ गई थी तब ऐसी गाड़ी से गिर गई। गिरने से यहाँ पर मुंह में चोट लगी, पैर में लगी, तो पैर में 10-12 टाका लगा। उसके बाद यहाँ आने से बाद प्लस्तर हम लोग को हम शक्ति से रायगढ़ भेजे, शक्ति के हॉस्पिटल में आगे गए। उसके बाद रायगढ़ भेजे, रायगढ़ से हम लोग को बोले रायपुर जाओ, रायपुर रेफर किए। तो यहाँ मतलब ट्रेन में एक जने मिले सर, वो यहाँ का हॉस्पिटल का अता पता बताए ना, तो हम लोग यहाँ रायपुर जा रहे थे, फिर हम लोग यहाँ आ गए। हॉस्पिटल के बारे से बताए ऐसे ऐसे हॉस्पिटल। अभी बच्ची तो ठीक लग रही है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमित्र दयाल एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने बच्ची की स्थिति और इलाज को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर विश्वमित्र बिदयाल प्लास्टिक सर्जन के हैसियत से एसआर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। यहाँ पे 12 अप्रैल को 9 साल की बच्ची चोट लगने के कारण भर्ती हुई थी, जिसका राइट मैंडिबुलर कंडाइल में फ्रैक्चर था, लेफ्ट टिबिया में फ्रैक्चर था और लेफ्ट रेडियस अल्ना में फ्रैक्चर था, जिसका मैंने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर करके चेहरे में होने वाली विकृति एवं मुंह का ना खुलना एवं मुंह का टेढ़ापन होने से बचा लिया है। इस तरह से यह मरीज लाभान्वित हुई और पूर्णतः ठीक होकर के घर जाने को तैयार है। अभी पूर्णतः स्वस्थ है, उसका मुंह पूरी तरह से खुल रहा है और दांत पे दांत अच्छी तरह से बैठ रहा है और उसे कोई दर्द भी नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल करीब है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। ये बच्ची रायगढ़ ज़िले से यहाँ पर आई है इलाज कराने के लिए। उसके जबड़े में फ्रैक्चर हुआ था, पैर की हड्डी भी टूटी थी और वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल थी, जिसका इलाज हमारे यहाँ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन ने जबड़े का इलाज किया वायर से फिक्स करके, एवं हड्डी का इलाज भी हड्डी के डॉक्टर ने किया। हमारे अस्पताल में सुविधाओं की जो सूची है उसमें धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 24 घंटे यहाँ पे हर ब्रांच के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। हमें भी बड़ी खुशी है कि दूसरे ज़िले की बच्ची है, रायगढ़ ज़िले की बच्ची है, वो इतने दूर से यहाँ आई है, और इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी उत्साहित होकर गांव वालों को, शहर वालों को, जितने यहाँ आते हैं उनका इलाज करें। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आज लौट रही है और हमें भी खुशी है कि आईसीयू में सारे सिस्टर्स डॉक्टर्स ने पूरी तरह से इसका देखभाल किया एवं इसके इलाज के लिए जो कुछ भी हो सके संभव हमने प्रयास किया। यह पूर्ण रूप से आयुष्मान में ही इसका इलाज हुआ है और सर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जो
आयुष्मान और ये खूबचंद बघेल की योजना लागू की गई है, इससे बहुत मरीजों को लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि ऐसे गंभीर रूप से घायल मरीज जहां उनके लिए इलाज कहीं और संभव नहीं था, इस योजना के अंतर्गत हमारे अस्पताल में अच्छी तरह से ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और सरकार को हमारे धन्यवाद कि ऐसे मरीजों को इस योजना के अंतर्गत हम उनका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ निमिषा भट्ट नामक 9 वर्षीय लड़की एडमिट हुई थी, जिसका सड़क दुर्घटना में चेहरे तथा बाएं हाथ पैर में गंभीर चोटें आई थी। मरीज का ऑपरेशन हमारे यहाँ के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र दयाल द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। ऑपरेशन दिनांक 12 अप्रैल को हुआ। उसके बाद मरीज आईसीयू में मेरे अंडर एडमिट थी। मरीज का करीब 15 दिन मुंह पूरी तरह से बंद था। उसके बाद आज जब मुंह खुला है तो मरीज के मूवमेंट्स पूरी तरह से नॉर्मल है। मरीज खुद के हाथ से खाना पीना ले रही है। मरीज आज पूर्णतः स्वस्थ है और डिस्चार्ज होकर घर जा रही है। तो मैं इसके लिए हमारे प्लास्टिक सर्जन तथा पूरी आईसीयू की टीम स्टाफ सबको बधाई देना चाहूँगा, और जनता से ये अपील करूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे सारे क्रिटिकल तरीके के ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुली हो रहे हैं, और हमारी ट्रॉमा टीम इन सब ऑपरेशंस को देखने में, मरीजों की देखभाल करने में पूर्णतः सक्षम है। धन्यवाद। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं। कई जटिल ऑपरेशन का डॉक्टरों ने अपनी श्रेष्ठता लगातार साबित की है। यही वजह है कि दुर्ग जिला ही नहीं अपितु अन्य जिलों से भी मरीज यहाँ अपना उपचार कराने पहुँचते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।